हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द क्लास 12th चैप्टर द टाइगर किंग इंग्लिश। अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि इसकी समरी पढ़नी है आज हमें। तो जो टाइगर किंग है किसने लिखी थी, ये द कलिक कालिक ने लिखी थी ये। अब इसको समरी को स्टार्ट करते हैं। द समरी स्टार्ट होती है ऐसे करके, द महाराजा थे प्रतिभनपुरम के, ये हीरो हैं इस स्टोरी के। इसको इनको बोला गया था, ही ऑल्सो केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग बोला गया था। जैसे ही वो बॉर्न हुए थे तो जो एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने प्रिडिक्ट करा था कि जो राजा की जो डेथ होगी वो एक टाइगर से होगी। अब जो 10 साल का जो ये द 10 डेज ओल्ड प्रिंस, अब उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि आप मुझे मेरी डेथ का कारण बताइए। तो उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बताया कि आपकी जो डेथ है वो एक टाइगर से आएगी। वैन द जो क्राउन प्रिंस थे जो 20 साल के हुए, वो उनका जो राज्य था वो उनके हाथ में आ चुका था। देवरा बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पर प्रतिबंधपुरम स्टेट में, उसमें बहुत सारे क्या थे, टाइगर थे। द महाराजा स्टार्टेड आउट, अब महाराजा ने क्या करा, टाइगर हंट करना शुरू करा, टाइगरों को मारना शुरू करा। महाराजा बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हुए जब उन्होंने अपना पहला शेर मारा। तो ही सेंड फॉर द स्टेट एक्सप्लोरर को उन्होंने भेजा। द ओल्ड मैन सेड, योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर, आपको मारने पर इन एग्जैक्टली द सेम है जैसे आपने पहले को मारा है, बट यू लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा 100 टाइगर जब तुम मारोगे। एस्ट्रोलॉजर ने प्रॉमिस करा टू टीयर कि वो अपने सारे किताबों के पेज फाड़ देगा, और एस्ट्रोलॉजी अगर तुमने वो 100 वाला जो टाइगर है अगर उसको मार दिया तो उसमें आग लगा देगा पेपरों में। द स्टैंड, अब जब राज्य ने जब टाइगर हंटिंग बैन कर दी, लेकिन खाली महाराजा को परमिशन थी कि वो टाइगर को मार सकते हैं। तो महाराजा थे उन्होंने वो अपने सारे मैटर जो उनके चलते थे राज्य में उसको कैंसिल करके उन्होंने हंटिंग पर ज़्यादा फोकस करा। इनिशियली द जो किंग थे सीम्स वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, ही फेस बहुत सारे डेंजर भी उन्होंने फेस करे। समटाइम द बुलेट में हिट जो मिस कर देती थी मार्क को द टाइगर, ऐसे में क्या होता जब उसका जो बुलेट था वो मिस हो जाता था उससे शूट से, तो जो टाइगर क्या करता था जंप कर देता था उनके ऊपर। ही फाउंड द बीस्ट विद हर बियर्ड हैंड्स, इस टाइम इट वॉज द महाराजा, लेकिन हर टाइम क्या होता था महाराजा जीत जाते थे। एक एक खतरनाक दुर्घटना भी हुई थी उनके साथ, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर थी जो उन्होंने विजिट करा था कहाँ पे, प्रतिबंधपुरम में, वो भी टाइगर हंटिंग को लेके क्या थी बहुत ज़्यादा फाउंड ऑफ थी, और वो फाउंडर ऑफ बीन फोटोग्राफ विद द टाइगर, और फोटोग्राफ लेती थी वो जब वो किसी टाइगर को मारती थी। तो अब वो आई थी वहाँ पे प्रतिबंधपुरम में टाइगर को हंट करने। द महाराजा वॉज फर्मली इन हिज रिसॉल्व, ही रिफ्यूज, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया था, सिंस ही हैड प्रिवेंटेड ब्रिटिश, अब उन्होंने महाराजा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपने ड्रीम्स को अचीव करने से रोका था। तो अब राजा को ये डर था कहीं वो अपना किंगडम ना खो दे, तो जो उसके महाराज थे और जो महाराजा के जो दीवान थे उन्होंने इस जो इशू उठ रहा था इसको संगीन में रखते हुए अबाउट 50 एक्सपेंसिव जो डायमंड रिंग्स थे ना डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के उसको कहाँ पर भेजा था, ब्रिटिश ऑफिसर के पास, गुड लेडी के पास भेजा। द जो किंग थे एंड द मिनिस्टर थे उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि वो 50 में से एक या दो रिंग रख लेंगे और बाकी भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या करा, वो सारी रिंग रख ली और एक लेटर दे दिया था थैंक्स का। अब महाराजा ऐसे में खुश हो गए, देख उन्होंने क्या कितने लूज करे थे, 3 लाख ऑफ रुपीज़ उन्होंने लूज करे, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया था, अपना किंगडम बचा लिया था। तो ऐसे करके ये जो सिचुएशन हुई थी उसको उन्होंने अपने आप को क्या करा था, बचा लिया था। तो महाराजा टाइगर जो उसका हंट था वो चलता रहा, वो सक्सेसफुल रहा। उन्होंने एक स्टैट बताता हूँ आपको, एक 10 साल के भीतर उन्होंने 70 टाइगर मार दिए थे, बट देन देर वॉज नो, अब कोई टाइगर नहीं बचा था प्रतिबंधपुरम में। वन डे द महाराजा ने सेंड फॉर हिज दीवान एंड टोल्ड इन द 30 टाइगर कि अभी भाई 70 टाइगर मारे, 30 टाइगर अभी भी बचे हैं जो उन्हें मारने अपनी बंदूक से। अब उन्होंने दीवान को बोला कि हम शादी करना चाहते हैं, दीवान को बोला गया तो दीवान ने क्या करा, उनके लिए सही लड़की ढूंढी, ऐसी लड़की ढूंढी जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर थे। तो इस टाइम जब महाराजा
जग जंग बहादुर नाम था, जब अपने विजिट करते थे अपने फादर इन लॉ के वहाँ पे यार्ड में, तो ही गिल्फ 5 से 6 टाइगर वो मारते थे। इन दिस में 99 टाइगर उन्होंने मार दिए थे, और जो उनकी स्किन्स थी वो अपनी प्रतिभमपुरम पैलेस की कहाँ लगा दी थी, वॉल पे लगा दी थी। देर रिमेन अब एक टाइगर बचा था जिसको मारना था, अब कोई टाइगर नहीं बचा था वहाँ पे भी उनके फादर इन लॉ के यार्ड पे वहाँ पे। बट द टाइगर फॉर्म सैड नॉट नाउ रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉ के, वहाँ भी कोई नहीं बचा था। इट बिकेम इम्पॉसिबल हो गया था टू लुक एट टाइगर एनी वेयर। द महाराजा वो संक इन ग्लूम, अब वो थोड़े परेशान रहे, लेकिन थोड़े टाइम बाद उन्हें अच्छी खबर भी मिली। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपीयर कर रहे थे फ्रिक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज से। अब उन्हें लगा कि वहाँ पे शीप है तो सीधी सी बात है टाइगर भी होगा वहाँ पे। द विलेजर रैन टू, अब जो विलेजर्स थे वो गए महाराजा भागते हुए और उनको इन्फॉर्म करा, बट द टाइगर वॉट एकदम से मिला नहीं। महाराजा ने रिफ्यूज़ कर लिया टू लीव द फॉरेस्ट, अब वो गुस्सा हुए इसमें। अंडल तक उन्होंने फॉरेस्ट छोड़ने से मना कर दिया कि जब तक मुझे टाइगर नहीं मिलेगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराजा जो उसको उनका एंगर था वो बढ़ता चला गया। बहुत सारे ऑफिसर ने अपनी जॉब खो दी। एक दिन क्या होता है कि जो टाइगर किंग था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने दीवान को बुलाया और उन्होंने क्या कहा, जो लैंड के टैक्स होते हैं ना उसको डबल कर दो। द दीवान सेड दैट द पीपल वुड बिकम डिस, क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। देन देयर स्टेट टू फॉल, तो ऐसे में क्या होगा, उनका राज्य को बहुत नुकसान होगा। द किंग ने दीवान से बोला, तुम भी रिज़ाइन कर दो। दीवान क्या हो गया, थोड़ा परेशान, वो अफ्रेड हो गया, फ्राइटेंड हो गया वो। अब उसको लगा कि अब तो भाई सीधी सी बात है टाइगर अरेंज कराना ही पड़ेगा। तो टाइगर कहाँ से लाया गया था, फिर पेपल पार्क इन मद्रास से दीवान लेके आए थे और उनको अपने घर में उन्होंने रख दिया था, हाइड करा दिया था दीवान ने। अब मिडनाइट की बात क्या होती है, अब जब टाउन सो रहा था इन पीस में, तो जो दीवान था और जो उसकी एजेड वाइफ थी उन्होंने और टाइगर को अपनी कार में डाला। और कहाँ ले गए वो, जहाँ पर टाइगर महाराजा हंटिंग कर रहे थे। नाउ द अब टाइगर ने क्या करा कि कार से बाहर आने से मना कर दिया। समाउ द दीवान होल्डेड द बीस्ट, और किसी तरह से जो टाइगर था उसको अपनी कार से बाहर निकाला गया एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड में उसको रखा गया। फिर ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्टेड इन टू द महाराजा प्रेजेंस एंड शूट देयर। इट वॉज विद बोनलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयर एम द एम एट द बीस्ट। अब ऐसे में क्या होता है, महाराजा बड़े खुश हुए दैट हिज वॉइस टू किल 100 टाइगर हैज़ बिन फुलफिल्ड, कि भाई जो उनकी तमन्ना थी ना 100 टाइगरों को मारने की वो फुलफिल होने जा रही है। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, महाराजा लेफ्ट इन हिज कार। अब क्या होता है, जब महाराजा ने लेफ्ट करा द हंटर वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक लिया। अब जब महाराजा तो मार गए चले गए टाइगर को, तो जो हंटर थे उन्होंने क्लोज लिख लिया टाइगर से। उस टाइम पर टाइगर क्या कर रहा था, अपनी उन्होंने टाइगर ने अपनी रोल करी अपनी आइज़ को, अब वो विलेजर्स की तरफ देखने लग गया। तो वन ऑफ द जो हंटर थे उन्होंने एक डिस्टेंस से क्या करा, 1 फुट के डिस्टेंस से टाइगर को मार दिया। और जो डेड टाइगर का उसको लिया गया किस में, टेकिंग प्रोसेशन में थ्रू द टाउन एंड बोन, उसको फिर जला दिया गया। फ्यू डेज लेटर द थर्ड बर्थडे, और जो महाराज का जो संत था उसको मनाया जा रहा था, ही विश टू गिव हिम स्पेशल गिफ्ट दिए जाने थे उस बर्थडे पे। ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर देखा था टॉय शॉप में, और उसने सोचा कि वो प्रेजेंट करा जाएगा एज ए परफेक्ट गिफ्ट के रूप में। द वुडन टाइगर कॉस्टली कितने का था, वो 2 NNs and a quarter का था, बट द शॉपकीपर कॉल्ड इट अ बार्गन भी दे दिया था, कितने में, 300 रुपीज़ पे। ही प्रेज इट एज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल था क्राफ्टमैन्स का, वो उसको काफ करा गया था। अब एक्चुअली वो क्राफ्ट हुआ था एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा। अब उसकी सरफेस कैसी थी, रफ थी, टाइनी सिल्वर से वुड के स्टूड अप लाइक क्यूरल्स ऑल ओवर इट था उसको, मतलब। और सरफेस रफ होने का कारण क्या था कि भाई सीधी बात लग सकता था किसी को भी, और यही हुआ ऐसा कुछ। वैन द महाराजा अपने सन के साथ खेल रहे थे तो वन ऑफ दो सिल्वर प्रसिद्ध दो महाराजा के राइट हैंड में वो लग गया। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से निकाल तो लिया, लेकिन वो फिर अपने बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन अगले दिन क्या होता है, इन्फेक्शन फैल गया महाराजा के राइट हैंड में। इन 4 डेज में डेवलप्ड इनटू क्या हो गया, वो घाव में बदल गया। अब वो पूरे उनके आर्म में फैल गया। तो 3 फेमस सर्जन को बुलाया गया था मद्रास से, उन्होंने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और ऑपरेशन से तो सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन महाराजा मर गए इसमें।
इन दिस मैनर में क्या बताते हैं कि जो 100 टाइगर ने अपना फाइनल रिवेंज लिया था अपॉन द टाइगर किंग। तो ये है दिस पार्ट ऑफ द समरी इस चैप्टर की। अब हम आगे भी पढ़ सकते हैं कुछ और समरीज।